नमस्कार प्रोफेसर SVSS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ। आज मैं स्त्री सशक्तिकरण वुमेन एम्पावरमेंट के जो श्रृंखला में और एक उपन्यास का परिचय मैं करना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं महाभारत कालीन स्त्री पात्रों की जब भी हम चर्चा करते हैं सबसे पहले द्रौपदी के चरित्र के बारे में हम चर्चा करते हैं, उनके दोनों पक्षों पर, खासकर उनकी जो महानता क्या क्या है। लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि द्रौपदी भी एक स्त्री है, उनकी भी अपनी आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनकी भी एक मन है, ये बात भूल जाते हैं। इस पर लेखक आचार्य वाई लक्ष्मी प्रसाद ने द्रौपदी नामक उपन्यास की जो रचना की है, आज मैं द्रौपदी से संबंधित कुछ चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ। खासकर द्रौपदी के चरित्र को स्त्रीवाद के नेपथ्य में, स्त्री सशक्तिकरण के दौर में किस प्रकार लेखक ने चित्रित किया है, इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। और इससे पहले स्त्री क्या है, स्त्री सशक्तिकरण, और इसके साथ साथ द्रौपदी को केंद्र में रखकर स्त्री सशक्तिकरण के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। भारत देश में नारी को एक ओर लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती आदि देवताओं के रूप में मानकर पूजा करने की परंपरा है, तो दूसरी ओर नारी को पुरुष की दासी मानकर उसकी अवहेलना करने की कुप्रथा भी है। लेकिन पूज्य बापू जी, महात्मा गांधी जी स्त्री को ना देवी मानते थे ना ही दासी। उन्होंने तो स्त्री को पुरुष की सहचारिणी के रूप में या जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार किया था। यह सर्वविदित बात है कि स्त्री और पुरुष समान कहते हैं, परंतु अंतर यह है कि एक ज़्यादा शोषित है और एक ज़्यादा स्वतंत्र। स्त्रियों के चार वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम वर्ग उन स्त्रियों की है जो आत्मनिर्भर एवं बुद्धिजीवी हैं। वे पुरुषों से कंधे मिलाकर चलती हैं और उनकी प्रतिभा और लगन पुरुष को उनसे निम्नतर होने का बोध कराती है। लेकिन ऐसी औरत को मर्दाना औरत का नाम देकर दबाने और अपमानित करने का काम पुरुष वर्ग करता है। उन्हें हर कदम पर चुनौतियों को सामना करना पड़ता है। दूसरा वर्ग उन स्त्रियों की है जो पढ़ी लिखी हैं। उनके लिए परंपरा और नैतिकता सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसी मानसिकता में उनको पाला जाता है कि वे पुरुषों के हर जुर्म को बिना विरोध किए पुरुष के अमानवीय व्यवहार को सहकर सबको खुश रख सकें। समाज में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा शोषण इन्हीं के साथ हो रहा है। तीसरा वर्ग अशिक्षित और गरीबी स्त्रियों की, अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए पूरी आयु मेहनत करने के बाद अपने बारे में सोचने के लिए उनमें दम ना होती है। इनका शोषण पूरा समाज करता है। चौथे वर्ग में ऐसी स्त्रियां हैं जो समाज कल्याण के कार्यों द्वारा समाज को सही दिशा देने का कार्य कर रही हैं। ये हर क्षेत्र में क्रियाशील हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। स्त्रीवाद व स्त्री विमर्श स्त्री और पुरुष के बीच नकारात्मक भेदभाव के स्थान पर स्त्री के प्रति सकारात्मक पक्षपात की बात करता है। स्त्री के बारे में क्षमा शर्मा कहती है कि पुरुष 50 औरतों के साथ संबंध रख कर अच्छा कहला सकता है, स्त्री एक प्रेम करके भी चरित्रहीन कही जा सकती है। और अफसोस की बात यह है कि स्त्री की उस छवि को बनाने में ना धर्मशास्त्र पीछे है ना ही साहित्य। सदा पुरुष की इच्छाओं के अनुसार चलने से पतिव्रता, साध्वी आदि उपाधियों से स्त्रियां अलंकृत हो जाती हैं। अगर पुरुष के खिलाफ बोलने से क्या क्या उपाधियां देते हैं सर्वविदित हैं। लेखक ने आज बहुचर्चित स्त्रीवाद के नेपथ्य में द्रौपदी के चरित्र को प्रस्तुत किया है। यथा
स्त्रियां ही इतिहास का निर्देश करती हैं। इस विषय तो विगत की घटनाओं के निरूपित करने के बावजूद भी महाभारत के इतिहास की प्रधान लेखिका स्वयं वही थी। वह यह नहीं जानती कि काशी राजकन्याओं को जैसे अंबा, अंबिका, अंबालिका को जब भीष्म स्वयंवर से उठा ले गया तो महाभारत का आरंभ हुआ। रुक्मिणी के लिए श्री कृष्ण से शिशुपाल ने शत्रुता मोल ली। यह शत्रुता जरासंध और शिशुपाल के संहार से तो मिट नहीं पाई। स्त्रियों की स्वतंत्रता के बारे में भीष्म से न्याय की आशा कैसे करें? द्रौपदी ने मन में सोचा, अंबा, अंबिका और अंबालिका को उसकी मर्जी के अनुसार भीष्म स्वयंवर से उठाकर नहीं ले गया था ना। द्रौपदी ने ठंडी सांस ली, फिर से उसमें आशा ना मारी। युद्ध क्रीड़ा की घटना से द्रौपदी के मन में विद्रोह का विस्फोट होने लगता है। पांच पांच पतियों से संस्कृति पत्नी को अंततः अपनी रक्षा अपने आप करनी पड़ती है। उसके दुख को कोई समझ नहीं पाए। स्वयं धृतराष्ट्र व गांधारी जो बेटी वाले होकर भी दूसरों की बेटी का दर्द नहीं समझे और ना ही उसका विद्रोह कर सके। और एक जगह और एक उदाहरण के माध्यम से मैं बताता, हे राजन, द्रौपदी के अपने बालों को अपने मुख पर बिखरने का एक कारण है। जिनके अन्याय के कारण उसकी यह दुर्दशा हुई, उनकी पत्नियां भी अपने पतियों, पुत्रों और बंधुओं के वध होने पर उनके शवों पर गिरकर ऐसे ही बाल बिखेर कर रोएंगी। ऐसा द्रौपदी ने अपना संदेश भेजा। और भीम द्रौपदी के पास जाते वक्त, देखिए मेरे बालों पर हाथ मत रखना, द्रौपदी गरज पड़ी। उसके स्वर की तीव्रता से भीम निश्चेष्ट हो गया। क्या हुई तेरी प्रतिज्ञा? मेरा अपमान करने वाले उस नीच का वध करने के बाद ही मेरे पास आओ। उसके रक्त से मेरे बालों से सने के बाद ही उनकी मुक्ति होगी। मुझे यह साम्राज्य नहीं चाहिए, संपदा नहीं चाहिए, उन दुर्योधन और दुशासन का वध चाहिए। द्रौपदी का विद्रोह व प्रतिशोध को क्रांति से जोड़ते हैं जो जल्दी नहीं बुझेगी। यह द्रौपदी ही नहीं, संपूर्ण स्त्री का विद्रोह इससे झलकता है। अंत में सहन शक्ति समाप्त होने पर एक स्त्री के मन में विद्रोह या क्रांति की चेतना जागृत हो जाती है, जिससे उसके मुख में आक्रोश फूटता है और प्रतिशोध लेने का दृढ़ संकल्प करती है। यह आज की स्त्री का आवाज जो अपने ऊपर हुए अपमान का बदला लेने के लिए संकल्प करती देखी जा सकती है। यह आग द्रौपदी के माध्यम से पूरे विश्व में प्रेरणा स्रोत है। अपनी रक्षा के लिए निडर रहना और अपने ऊपर प्रतिशोध होने पर आवाज उठाना, द्रौपदी के द्वारा यह सफल हुआ है और हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। एक स्त्री की वेदना कैसे स्थिति एक स्त्री की भावना को कैसे ठेस पहुंचती है। खुद द्रौपदी कहती हैं कि जैसे सीता को रावण की तरह कोई उसे उठा ले जाए तो। देखिए मैं दोबारा यह बात, इस वाक्य को मैं दोहराना चाहता हूँ। जैसे सीता को रावण की तरह उसे कोई उठा ले जाए तो। रावण की बात क्यों? मौका मिले तो उसे उठा ले जाने कितने ही राजा तैयार हैं। पांच पतियों से गृहस्थी करने के और पांच पुत्रों को जन्म देने के बावजूद भी उसका लावण्य लेश मात्र भी मुरझा नहीं गया। इससे पहले वह अपने सौंदर्य को वर्षा मानती थी, अब ही शाप सा लग रहा है। यदि कोई उसे उठा ले जाए तो रावण समान उसका उपभोग किए बिना देखभाल करने वाले उन्नत व्यक्तित्व वाले अब कोई नहीं है। समय बदल गया, सभा में उसका अपमान होने पर भी उसके पतियों ने कुछ नहीं किया। द्रौपदी नारित्व का एक आह्वान है, कर्म, ज्ञान, भक्ति और शक्ति का मूर्त रूप है। विश्व में द्रौपदी की जैसी अनेक द्रौपदी आज भी यातना, लांछन, मानसिक संकट एवं संघर्ष का सामना कर रही है और अपने द्वारा अपमान होती आ रही है। अपने ही परिवार में, अपने ही सगे संबंधियों से,
अपने पतियों से जो अपनी स्त्रियों पर होते अपमान को देखकर पांडवों की भांति निस्सहाय चुप बैठता है। पुरुषों की मजबूरी के कारण आज भी बलि हो जाने के लिए स्त्रियां मजबूर हो जाती हैं। यही नहीं, अपने ही वंश के कुलवधू अनेक ज्ञानी गुणी मानी पुरुषों के सामने विवस्त्र होकर और सब चुपचाप निर्वसना की अंग शोभा देखते बैठते रहते हैं। इससे बढ़कर कलंक भरा अध्याय विश्व के लिए लिखित या अलिखित इतिहास हमें देखने को मिलेगा। नारी धर्म पर ऐसा विभत्स अत्याचार कभी इतिहास से मिटेगा नहीं। कुरुवंश का यह स्वेच्छाचार अन्याय अत्याचार सारी पुरुष जाति को अनंत काल तक हीन बना देगा। भरत वंश की सती स्त्री तथा सारी पृथ्वी की नारी जाति के अपमान कर देगा। इस अपमान की कोई क्षमा नहीं, इस पाप का कोई प्रायश्चित भी नहीं। यथा पहले पहल पांचों से विवाह करना ही उसने गलत माना, लेकिन जब धर्मज्ञों ने ही इसे गलत नहीं माना तथा उसका परिवार ही राजी हो गया, तो उसने प्रश्न किया कि मुझे क्यों इसे गलत मानना चाहिए। स्त्री सुख भोगों के लिए गलत काम करने को डरती है, लेकिन जब समाज ही अनुमोदन दे तो वह गलत क्यों होता है। स्त्री को पुरुष द्वारा अपना उपभोग करने वाले दिन की प्रतीक्षा करना है, तब तक उसे अपनी इच्छाओं को दबाकर रखना है, लेकिन स्त्री को एक ही से होना चाहिए। ऊपर से उसमें कामेच्छा पैदा होने पर यदि पति उसके लिए तैयार नहीं होते तो उसे व्यक्त नहीं करना चाहिए। द्रौपदी कहना चाहती है कि किसी नारी को बहुपतियों को वरण करने में जो लज्जा ग्लानि संकोच हो तो उसे नारित्व क्षीण हो जाता है, उसे नारित्व क्षीण हो जाए। परंतु एक पुरुष तो कितनी स्त्रियों की भी ग्रहण कर सकता है, पर एक विधान उसके बनाया हुआ है। जो पुरुष स्त्री के बीच पाप पुण्य में ऐसा अंतर क्यों करते हैं? धनी दरिद्र उच्च नीच ब्राह्मण चंडाल स्त्री पुरुष आदि का अंतर कर समाज में जितने नीति नियम बने हैं, पाप पुण्य के विचार कर जो घोर वैषम्य खड़ा किया गया है, उसके विरुद्ध आजीवन युद्ध करना होगा। वास्तव में पांच पति वरण करना समग्र नारी लोक के लिए एक आह्वान था। एक साथ अनेक पुरुषों को वरण करने के बावजूद भी किसी नारी के चरित्र की शुद्धता रह सकती है, मानो यह प्रमाण करने का एक स्वर्णिम अवसर है। यहाँ द्रौपदी के माध्यम से लेखक ने प्रश्न उठाया है कि शास्त्रकारों ने क्यों सिर्फ नारी के लिए ही पाप की सूची बनाई है? उसकी अपनी भावनाएं, इच्छाएं, कामासक्ति होती हैं तो पुरुषों के समान। स्त्रियों को ही सदा क्यों निंदा सहना पड़ती है? क्यों उसे अपनी कामेच्छा पैदा होने पर उसे व्यक्त करने का मौका नहीं मिलता? इस प्रकार लेखक ने द्रौपदी के चरित्र को आधुनिक स्त्रीवाद के नेपथ्य में अत्यंत सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया है। आप सब इसको देखने या सुनने के बाद इस पर जरूर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। धन्यवाद।